बीजेपी ने जारी की 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पीएम मोदी एक बार फिर वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव। तीसरी बार लखनऊ से लड़ेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो गांधीनगर से चुनावी मैदान में होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी की पहली सूची में 28 महिला उम्मीदवार, अनुसूचित जाति के 27, अनुसूचित जनजाति के 18 और पिछड़ा वर्ग के 57 उम्मीदवारों को मिली जगह। बीजेपी की पहली सूची में 34 सांसदों का कटा टिकट, दिल्ली में 5 में से 4 नए उम्मीदवार। मोदी सरकार के 34 मंत्रियों को मिला टिकट, पहली लिस्ट में केरल से एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार। यूपी से 51 उम्मीदवारों का बीजेपी ने किया ऐलान, 51 में से 4 नए चेहरों को मिला मौका। बिहार में पीएम मोदी के सामने सीएम नीतीश कुमार का दावा, बोले अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, मिलकर काम करेंगे, इस बार 400 सीटें जीतेंगे। बीजेपी और जयंत चौधरी में हुआ समझौता, बागपत और बिजनौर सीट से चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय लोकदल। सीएम योगी ने आरओएआरओ की परीक्षा रद्द की, पेपर लीक की वजह से 6 महीने के भीतर दोबारा कराई जाएगी परीक्षा। और हिमाचल में सीएम सुक्खू की डैमेज कंट्रोल की कोशिश, नाराज विधायकों को मनाने में जुटे हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री। तो खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहें डीएनपी इंडिया।